प्रभास को जोकर बोलना हुआ अरशद वारसी की जिंदगी का सबसे गलत फैसला। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू में अरशद वारसी ने प्रभास को जोकर बोला था। ये उन्होंने तब बोला था जब कल्कि के ऊपर बात हुई और उन्होंने कहा कि जो कल्कि में प्रभास का कैरेक्टर है वो उन्हें जोकर जैसा लगता है और उनको समझ नहीं आया उनका कैरेक्टर। इस बात पे फैंस ने काफ़ी ट्रोल किया अरशद वारसी को। वहीं कल्कि के मेकर्स भी इस बात से अपसेट हो गए और अरशद वारसी के अगेंस्ट बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे दिए। वहीं एक्टर नानी ने भी ये कह दिया कि अरशद वारसी उनसे जेलस हैं, प्रभास से जेलस हैं, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। वहीं अगर ट्रोलिंग की बात करें तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अरशद वारसी का जितना बड़ा करियर है उतनी कमाई प्रभास की एक फिल्म से आती है। तो ऐसे कमेंट्स करके अरशद वारसी को काफ़ी परेशान कर दिया है ट्रोलर्स ने और फैंस जो हैं वो दो अलग अलग इंडस्ट्री में बट गए हैं। कुछ लोग अरशद वारसी की साइड ले रहे हैं, वहीं ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रभास की साइड लेते हुए अरशद वारसी को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इस पर एक्टर अमित सैल ने और इवन दो कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन ने ये कह दिया कि लोग जो हैं वो बात को अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं और उनको ये बात बहुत बुरी लगी है कि जो साउथ इंडस्ट्री है और बॉलीवुड इंडस्ट्री है इसमें डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। अभी भी लोग दो अलग हिस्सों में बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडस्ट्री को लेकर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हो रही है। और अगर हम अमित सैल की बात करें तो उनका ये कहना है कि अरशद वारसी ने जो कहा था उसका तात्पर्य वो नहीं था, लेकिन जो इंटरव्यू था उसको इस तरह से एडिट किया गया जिसकी वजह से अरशद वारसी का जो कमेंट है वो बहुत गलत तरह से पोर्ट्रे हुआ है। अब ये पोर्ट्रेयल गलत है कि अरशद वारसी के कहने का तात्पर्य सेम था, वो तो जिसने इंटरव्यू लिया है, जिसने एडिटिंग करी है वो ही जानते हैं, लेकिन जो लोगों को दिखा उस वजह से लोगों ने इतनी बड़ी बात कह दी है। वहीं अभी तक प्रभास ने कोई बात नहीं कही इस बात पे। और आपको बता दें, अरशद वारसी की जितनी ट्रोलिंग हुई है इस वजह से अरशद वारसी को अपने सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन बंद करने पड़ गए थे क्योंकि उनकी फैमिली तक पे पहुंच गए थे लोग ट्रोलिंग करते करते और उनको अब्यूजिव वर्ड्स भेज रहे थे। अब देखना ये है कि क्या अरशद वारसी इस पे दोबारा कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं या फिर वो अभी भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं और लोग क्या अब उनको ट्रोल करना बंद करेंगे, क्या लोग इस बात को समझेंगे सोशल मीडिया पर, इस अवेयरनेस में आएंगे कि ये जो एक स्टेटमेंट है इसमें एक एडिटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो बात को पलट सकता है, इस बात को समझेंगे। आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अरशद वारसी सच में प्रभास को नीचा दिखाने के लिए बोल रहे थे या जो उनकी बात थी वो एडिटिंग की वजह से गलत तरह से पोर्ट्रे हुई है? आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और ऐसी ही एंटरटेनमेंट से भरी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।